सभी को मेरा जोहार झारखंड। ठीक है, अभी मेरे को लगता है कि रात के 10 बज रहे हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं मॉर्निंग होगा तो बहुत सारी चीज़ें कहीं मेरे दिमाग से निकल ना जाए, बहुत सारे ऐसे, क्योंकि फीलिंग्स वो चीज़ें हैं, भावनाएं एक टाइम पे आती है, वो भावना फिर चली जाती है, कि मतलब होता ना एग्जैक्ट वही चीज़ें दिमाग में नहीं रहती। तो अभी हम एक बात मेरे दिमाग में आया, जो चीज़ हमको सोचने और विचार विमर्श करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, कि हम अभी इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिसको जैसा जो भी काम करना है, जिसको जिसके लिए भी काम करना है, ठीक है, जिसको जिस पे विश्वास है, श्रद्धा है, ठीक है, कि हाँ मेरे लिए ये विकास का काम करेगी, या हमारे लिए ये अच्छा काम करेगी, ये पार्टी अच्छी है, या ये प्रत्याशी अच्छा है, वो उनके हिसाब से उनके लिए काम कर रहे हैं। पर मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे लोग, अभी पिछले 1-2 महीने से काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ मिलने बैठने का मौका मिला, बातचीत करने का, मुझे एक चीज़ बहुत हैरान कर रही है। और वो एक चीज़ है, मुझे जो मैंने अनुभव किया कि हम सोचने और समझने की जो क्षमता है या जो शक्ति है उसको खो रहे हैं, चाहे आप किसी के भी सपोर्टर हैं, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जो, क्या होता है ना कि पहले भी पॉलिटिक्स था, पहले भी चीज़ें होती थी, पहले भी अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी होते थे, पहले भी सब अपनी बातों को रखते थे, पहले के लोगों में ना क्षमता था तर्क और वितर्क करने का, जो जिसको सपोर्ट करता था या जो जिस चीज़ के लिए भी, कि हम इस चीज़ को इस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, और लोगों में एक दूसरे की बातों को सुनने की क्षमता, कि आप जो कह रहे हैं हम उस बात को सुनेंगे और फिर हम उसका कटाक्ष देंगे कि मेरा ये जवाब है। लेकिन अभी मैंने लोगों में देखा कि लोग वो जो क्षमता है ना सुनने की क्षमता, उसको खो चुके हैं, और ये बहुत नेगेटिव है, पॉलिटिक्स के लिए ही नहीं, एक इंसान के लिए भी बहुत नेगेटिव है, कि आप सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को अपनी बात बोलने का अधिकार है, और आप सुनिएगा तभी तो आप समझ पाइएगा चीज़ों को। तो मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत है, बट मेरा ऐसा मानना है कि विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास गलत बात है, तर्क वितर्क होना चाहिए। जब तक तर्क वितर्क नहीं होगा चीजों का, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? तर्क वितर्क में या तो दो लोगों में अगर तर्क वितर्क होगा तो दोनों में से कोई एक आदमी सही होगा, एक आदमी गलत होगा। हो सकता है कि जिस दृष्टिकोण से आप सोच रहे हो उस दृष्टिकोण को वो देख ही नहीं पा रहा है, तो उस दृष्टिकोण को कैसे कोई देख पाएगा? जब आप उसकी बातों को सुनिएगा और समझिएगा, फिर क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, हाँ आप ये बोल रहे हैं, आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मैंने चीजों को देखा कि हम ना, भक्त होना अच्छी बात है, ठीक है, अगर आपके किसी के ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा है, विश्वास है, किसी के पीछे बहुत ज्यादा सम्मान है, तो आप एकदम हमेशा उनके साथ रहिए। लेकिन एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास, दोनों में ना बहुत अंतर है। विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास होना बहुत गलत बात है, वो हमें गलत दिशा में लेके जाती है, वो हमारे विकास को रोकती है, सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको कम करती है। क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, ये क्षमता होनी चाहिए। ये क्षमता तभी हो सकता है जब हम सुनने की क्षमता रखेंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे। हम क्या है कि हम अगर किसी चीज को, कोई भी एक पर्सन है, अगर कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है तो वो दूसरे पर्सन के पास सुनना ही नहीं चाहता है, एकदम निरंकुश, मतलब नहीं सुनना है, एकदम वैसा वाला फील हो रहा है मेरे को कभी कभी कुछ लोगों से बात करते हुए, कभी ऐसा लगता है जैसे कि दो कंट्रीज का आपने नाम सुना होगा, एक नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, अंतर सिर्फ नॉर्थ और साउथ का है, ठीक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सुनना ही नहीं चाहते, उनका वहां पे जो जैसा नियम है उसके हिसाब से चलता है। तो ये भारत है ना, हमारा विकास कैसे होगा जब तक हम किसी, मान लीजिए सामने वाला सही है गलत है, जब तक अपनी बातों को रखेंगे नहीं, जब तक हम सुनेंगे नहीं चीजों का, अगर कोई चीज गलत है तो वो सही कैसे होगी? इस बात पे थोड़ा सा, मतलब मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी करें, जो कुछ भी करना है, कुछ भी कीजिए, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन विचार करने की जो क्षमता है ना, इस क्षमता को मत खोइए। और अभी जो लाइक ये जो फोन है ना, ठीक है, ये वरदान है या अभिशाप हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी लोग किताबों से दूर होके, चीजों से दूर होके, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा है सब कुछ, सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, जो हम देख रहे हैं उसी चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे। नहीं, सोचो, समझो, देखो, उसके बाद किसी चीज पे यकीन करो। यहाँ सर्फ का एडवर्टीजमेंट भी कहता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है, क्योंकि वो सर्फ है, तो इसलिए पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन इंसान के नॉर्मल जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती कुछ कुछ चीजों के लिए, और विचार विमर्श जो समय है, समय बहुत कीमती है।
तो थोड़ा सा सोचने और समझने की क्षमता लाएं, और खास करके हमारे जो युवा वर्ग हैं या फिर जो हमारे यहाँ के लोग हैं, पहले के लोगों में एक स्थिरता होती थी, लोग चीजों को समझते थे, सुनते थे, बातें करते थे, डिस्कशन करते थे, दोनों तरफ की बातें होती है। जब 10 लोग बैठते हैं तो 10ों लोगों का बात सुनना होता है, उसके बाद चीजें किसी निर्णय में पहुंचती है। लोकतंत्र क्यों है? लोकतंत्र इसीलिए तो है, सब आदमी अगर 20 आदमी को लगता है कि नहीं हम नेतृत्व करने का ज्यादा अच्छा क्षमता रखते हैं, तो 20 लोग खड़े होते हैं, 20ों अपनी बातों को रखते हैं, और 20ों लोगों की, और लोकतंत्र का मतलब ही है कि उन 20ों की बात सुना जाए, और उन जो 20 प्रत्याशी है, उस 20 प्रत्याशी में से जिस प्रत्याशी का आपको बात को सबसे अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नहीं ये हमारे विकास के लिए काम कर सकता है, उसको मौका दिया जाए। लेकिन जब आप सुनेंगे ही नहीं किसी को और आप एक चीज पहले से ही निर्धारित करके रख रहे हैं, तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदेह है। कौन जीतेगा हारेगा चलिए, लेकिन अपने सामने वाले को अपनी बात को रखने का मौका देना चाहिए। कोई किसी को पोर्ट्रेट कर दे रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा जल्दी लोगों को आजकल एडुकेट कर रही है। तो चीजों को ऑब्जर्व करें, सोचें, समझें, विचार करें, क्या है गहराई में जाने की कोशिश करें। आजकल फेक न्यूज आ जाता है कि इनके तरफ से ये रिचार्ज मिल रहा है, 5 लोगों को शेयर करें, और यहाँ पे लोग शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये हो गए हम, और शेयर करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग ये होते हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग। आपको यकीन नहीं होगा कि ये इंसान कैसे मेरे को शेयर कर रहा है, क्योंकि उसको भी इतने से, हम एक अलग दिशा में जा रहे हैं, तर्क वितर्क करने के लिए हम भूल गए हैं। हमें हमारे इतिहास को उलट के देखना चाहिए कि पहले किस तरह से तर्क वितर्क किया जाता था, इसीलिए पहले ज्यादा विकास होता था, पहले कितने विद्वान होते थे, कितने पढ़े लिखे लोग होते थे, आज उतने क्यों नहीं है? हम सुनने का मौका सुनते नहीं है, तो सामने वाले को बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो उसे लीडरशिप क्वालिटी भी कहीं ना कहीं घट रहा है। तो थोड़ा सा प्लीज, हमें भगवान ने बहुत अच्छी सद्बुद्धि दी है जो हमारे पास है, उसका प्रयोग करें। सुने सबकी बात, सुने, कहावत है सुने सबकी, करें आप अपनी। और राजनीति बहुत सारी चीज आएंगी जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप बातें सुनिए ना सबकी, आपको वोट उसी को देना जिसको आपको देना, जो आपको दिल को सही लगता है, जो आपको लगता है कि आपका विकास करेगा, लेकिन सुने आप सबकी कम से कम, और उसके लिए आपस में लड़ाई ना करें प्लीज। हम लोग डिस्कशन करते करते ऐसा होता है कि बहस एकदम गर्मा गर्मी हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है कि अब लड़ पड़ेंगे। इस तरह से तो आमने सामने कैंडिडेट नहीं लड़ते हैं, वो बस अपनी बात को रखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ही लेते हैं, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, ठीक है, कोई JBKSS से है, कोई मार्क्सिस्ट से है, तो सब अपनी अपनी बात को तो मंच में रख रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि फाइटा फाइटी करने लग रहे हैं सब, ठीक है, सब अपनी अपनी बात को अपने मंच पे रख रहे हैं। तो कैंडिडेट्स के जो फॉलोअर्स हैं वो भी अपनी अपनी बातों को रखें ना, कि अग्रेसिव, और उसकी वजह से अपने आपसी रिश्तों को ना खराब करें। बस हम यही बात बोलने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात से ठेस पहुंची हो, ऐसा लगता है कि मैंने गलत बताया बोला हो, तो उसके बारे में मुझे बताएं, कमेंट्स करें कि मैंने ये चीज़ गलत बोला है, मैं उस चीज़ को सुधारूंगी, और मेरे में सुनने की क्षमता है, मैं सुनूंगी और अपने विचारों को नई दिशा और दशा में ले जाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरे से कहीं कोई गलती हुई है तो मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी बुराइयां भी सुन सकती हूँ और अच्छाइयां भी सुन सकती हूँ। बुराइयां सुनूंगी ताकि मैं उनको सुधार सकूं, अच्छाइयां सुनूंगी ताकि वो मेरे से दूर ना जाए। मेरी जो अच्छाई है वो हमेशा मैं पकड़ के रख सकूं अपने साथ, अपने चरित्र के साथ, अपने अगर मेरी बात से किसी के भी दिल को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, बट मेरी बात को समझें। हम बस इतना ही चाहते हैं कि सोचें, विचार करें, ठीक है, कौन क्या कहता है नहीं कहता है अलग बात, एक बार लोगों को ना स्थिर बैठ के विचार करने की जरूरत है, तर्क वितर्क करने की जरूरत है, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत है। जोहार।